Welcome students, myself Dr. Sanjeev Kumar Singh, Department of Vegetable Science. Today we are going to discuss about the production technology of spices crops, course number VSC 221. बच्चों आज आपको ये जानकारी जो स्पाइसेस हैं जो मसाले हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है कि इनकी क्या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, क्या इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है और कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पर होता है। ये जो स्पाइसेस क्रॉप्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इस पहलू पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये हमारे भोजन में भोजन का टेस्ट बढ़ाते हैं, आपकी रुचि बढ़ाते हैं, उसको सुगंधित बनाते हैं, इसलिए हमारे भोजन में ये शामिल है। इनके अलावा इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है। हमारे एंशियंट टाइम से आप देखते हैं कि हर घर में इन मसालों का जो यूज है बहुत दिनों से होता आ रहा है, कई पीढ़ियों से आप सुनते हैं। कभी किसी के पेट में तकलीफ हो जाए, इंडाइजेशन हो जाए तो आप को घर में सजेस्ट किया जाता है, आपके बड़े बूढ़े आपको सजेस्ट करते हैं कि गुनगुने पानी के साथ अजवाइन ले लें। ये स्पाइसेस श्रृंगार प्रसाधन सामग्री में भी काम आते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स में, और पूजन में भी काम आते हैं। आप देखते हैं ये जो हल्दी है, ये जो स्किन है उसका ग्लो बढ़ाती है, उबटन में इसका इस्तेमाल करते हैं, और सबसे प्रमुख बात हमारी पूजा की पद्धति में सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है, हल्दी से पूजन चालू होता है, तो हल्दी बहुत ही शुभ सूचक है। तो इस प्रकार से कई मायने से आप देखते हैं कि इनका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में ये जो मसाले हैं उनमें से कुल जितने मसाले हैं 160 मसाले हैं, उनमें से लगभग 60 स्पाइसेस ऐसे हैं जिनकी कल्टीवेशन अक्रॉस द कंट्री हमारे यहाँ होती है। इनमें से कुछ सीड स्पाइसेस ऐसे हैं जो कि हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीड स्पाइसेस सबसे ज्यादा होते हैं। धनिया, मेथी, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, सोया, इनके अलावा राइजोम्स में टर्मरिक है, जिंजर है और फ्रूट्स में चिली है। इतने स्पाइसेस हमारे यहाँ प्लेन्स में सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये सारे मसाले पैदा होते हैं। इनके अलावा कुछ ट्री स्पाइसेस भी, जिनको आप समझते होंगे कि ये स्पाइसेस में पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन आपको बता दें हम कि ये जो टेमरिंड इमली है, ये इमली भी इसी में आती है। इसके अलावा जो ये करी लीफ है, मीठी नीम भी इसमें आती है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने मसाले फैले हुए हैं इनमें से कुछ मसाले बहुत महंगे बिकते हैं। आप देखते हैं केसर, आपने सुना होगा जिसे सैफरान कहते हैं, ये कश्मीर वैली में प्रमुख रूप से और कुछ हिस्सा हिमाचल का है जहां पर ये पैदा होता है, और ये सबसे महंगा बिकने वाला ये स्पाइसेस है, सबसे कॉस्टली ये बिकता है। वहीं पर आप साउथ इंडिया की तरफ चलें तो वहां पर आप देखते हैं काली मिर्च पैदा होती है, तेज पत्ता, बहुत सारे ऐसे मसाले जो कि बहुत ही महंगे महंगे बिकते हैं। इसीलिए हमारी भारत भूमि को कहा गया है लैंड ऑफ स्पाइसेस, और इनमें से सबसे ज्यादा मसाले पैदा होते हैं राजस्थान में और गुजरात, दैट इज नोन एज बाउल ऑफ स्पाइसेस। तो ये जो बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की 9th रैंक पर जो रैंकिंग है प्रोडक्शन में स्पाइसेस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
जो हमारा भारत देश है ये पूरी दुनिया में अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर और सबसे बड़े एक्सपोर्टर और सबसे बड़े कंज्यूमर। हमारे यहाँ जितना स्पाइसेस का प्रोडक्शन है अगर देखा जाए तो 2091 बानवे की बात अगर करते हैं तो लगभग 19 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन था। वहीं ये 2017-18 में 8,163,000 मीट्रिक टन हो गया और 2019 में ये 9 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा इसका उत्पादन बढ़ चुका है। तो ये लगातार इसके उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है, 2% से लेके 6% तक इसकी ग्रोथ रेट है। तो इतनी अधिक मात्रा में ये जो स्पाइसेस पैदा होते हैं हमारे यहाँ, इसीलिए भारत को लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। और हम दुनिया के तमाम देशों में, लगभग 60-65 देशों में हम इनका जो है निर्यात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, हमारे जितने पड़ोसी एशियन कंट्रीज हैं उन सबको इन मसालों का निर्यात किया जाता है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। जिस देश के पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत अधिक आता है इन क्रॉप से, वो देश अपने आप में समृद्धशाली माना जाता है, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता चला जाता है। तो ये ऐसी फसलें हैं जो दूसरे देशों में नहीं होती हैं, या होती भी हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो हमसे लेते हैं। तो आपने देखा होगा एक आर्नामेंटल प्लांट्स होता है कॉक्सकॉम, कश्मीर में वो भी स्पाइसेस में कंसीडर किया जाता है। तो वहीं पर आप देखें जो ब्लैक पेपर है वो साउथ इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर पैदा होती है, इसकी कटिंग्स लगाई जाती हैं और ये एक वाइन है और ये ऐसे चढ़ करके चलती है और जो इसमें बेरी लगती हैं वो बेरी ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से मसाले ऐसे हैं जिनमें पंजेंसी होती है, उनकी वजह से वो हमारे भोजन में बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे चिली है और जिंजर है, इसके अलावा पेपर, ये ब्लैक पेपर है, इन सबको इस तीखेपन के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैंने बताया कि हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं, तो जितना प्रोडक्शन हमारा स्पाइसेस का हमारे कंट्री में है उसमें से 90% जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो जाता है। ये ड्यू टू आवर फूड हैबिट्स। केवल जो 10% है वो केवल हम एक्सपोर्ट करते हैं और उतने एक्सपोर्ट से ही हमारे पास बहुत बड़ी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है उससे। तो ये जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस, और जो स्मॉल कार्डमम है, स्मॉल कार्डमम नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस, एंड वेनिला नोन एज प्रिंसेस ऑफ स्पाइसेस। तो ये जो स्पाइसेस हैं आप देख रहे हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी अधिक है। इसमें से जो सीड स्पाइसेस, हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो हमारा सॉइल टाइप है, उसमें नॉर्दर्न प्रिलेंस के लिए ये बहुत ही सुटेबल है, बहुत इनका हाई प्रोडक्शन है। कभी ऐसा भी था कि इनका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी कम होने के बहुत सारे रीजंस थे। इनमें से एक रीजन ये भी था कि कुछ सालों पहले तक हमारे स्टेट में इसकी जो नई नई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैं उनकी कमी थी। इसके अलावा जो नई वैरायटीज हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, उनकी कमी थी, इसलिए प्रोडक्शन कम था। फार्मर्स लगाते तो थे लेकिन बहुत छोटे एरिया में लगाते थे और अपने इस्तेमाल के लिए लगा लेते थे, कमर्शलाइज नहीं करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन लगातार आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, यूपी में भी कवर्ड एरिया बढ़ता जा रहा है,
और इसमें मदद भी मिलती है जो IISER है। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय में एक परियोजना चल रही है, वो फाइनेंस है डायरेक्टरेट ऑफ एरिका नट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट कालीकट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। उनसे जो फंडेड ये प्रोजेक्ट है वो मैं चलाता हूँ, जिसके अंतर्गत जो हमारे टारगेट्स हैं क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का प्रोडक्शन करना और फार्मर्स को जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो नई वैरायटीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, इसके अलावा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ उनको मोटिवेट करना, इसके लिए बहुत सारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी उसमें शामिल है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी मददगार है और लगातार जो कानपुर के आसपास या हमारी यूनिवर्सिटी के जो जुरिडिक्शन एरिया में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वहां पर लगातार इसके फार्मर्स अपना इंटरेस्ट दिखाते जा रहे हैं और हर साल हम जितना सीड प्रोड्यूस करते हैं वो लगातार ये फार्मर्स ले जाते हैं और इससे कवर्ड एरिया हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो सीड स्पाइसेस का एरिया सबसे अधिक है क्योंकि मार्केटिंग भी उसकी ही सबसे ज्यादा है। हमने बताया जितने स्पाइसेस पूरे देश में पैदा होते हैं उनमें से आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा पैदा करता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होते हैं, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इनमें से हमारे यहाँ जो सीड स्पाइसेस सबसे ज्यादा होते हैं उनमें से धनिया, मेथी, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, सोया, ये सीड स्पाइसेस हैं। इनके अलावा टर्मरिक, जिंजर और चिली भी। हमारी यूनिवर्सिटी का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कुछ वर्षों पहले तक हमारे विश्वविद्यालय में इनकी कोई भी प्रजाति नहीं थी, लेकिन लगभग पिछले 30-35 साल के प्रयास में हमारे अन्य वैज्ञानिकों ने और हम लोगों ने काफी प्रयास करने के उपरांत यहाँ होने वाली सभी क्रॉप्स में कम से कम एक या दो प्रजातियां विकसित कर ली। वो विकसित की गई प्रजातियां लगातार किसानों के खेतों तक पहुंच रही हैं और जो प्रोडक्शन है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे ये भी एक कारण है जो हमारे यहाँ लगातार उत्पादन बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं वो जो भी मसाला पैदा करते हैं उत्पादन लेने के बाद उनकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग की बात आती है, इसका ये एक संयोग है कि कानपुर इसका हब है और जितनी बड़ी से बड़ी जानी मानी जितनी प्रोसेसिंग पैकेजिंग कंपनी है दे आर बिलोंग्स टू दिस सिटी। और इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो रॉ मटेरियल जिससे भी खरीदते हैं फार्मर्स को आसानी होती है, उसको अच्छा दाम मिल जाता है। नहीं तो कुछ सालों पहले तक ऐसा करते थे कि अगर घर घर में कोरिएंडर लीव्स की जरूरत है तो उन्होंने थोड़ी सी जगह में उन्होंने कुछ मीटर में कोरिएंडर को लगा लिया और उसके बाद उनकी ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद काम खत्म हो गया। तो अब जब ये किसान देखता है कि ये लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप है तो किसान इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और धीरे धीरे उसको बाजार में जब भाव अच्छा मिल जाता है तो अगली साल उस एरिया को और बढ़ाता है। उसको जब समझ में आ जाता है कि नहीं इसमें तो लागत भी कम है मेहनत भी कम है तो धीरे धीरे इस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि किसी किसी साल भाव, ये तो बाजार भाव है, कभी कभी बहुत ऊपर चला जाता है और इसमें इनपुट्स बहुत कम लगते हैं, अभी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ से जो डेवलप की गई वैरायटीज हैं उनमें से धनिया में आजाद धनिया एक, आजाद धनिया दो, मेथी में आजाद मेथी एक, आजाद मेथी दो,
क्योंकि जो बाद में धनिया की और मेथी की वैरायटी डेवलप की गई है, इसमें विशेष बात यह है कि हम सीड के साथ साथ उसकी लीफ यील्ड भी अच्छी अगर मिल जाए तो बाजार में ज्यादा हमको किसान को प्रॉफिट देने में हम सहायक हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी स्पाइसेस आप देख रहे हैं वो इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो वेजिटेबल में एज ए लीफी वेजिटेबल कंसीडर, जैसे आप देख रहे हैं कि धनिया है और मेथी है, इनकी लगातार जरूरत रहती है। बाजार में धनिया पूरे वर्ष बिकती है क्योंकि हमारी फूड हैबिट में है कि खाना पकने के बाद उसमें गार्निशिंग के लिए करियंडर लीव्स को उसमें डाला जाता है। तो ये हमको हर महीने हमको चाहिए, हर दिन चाहिए, हमारे किचन में इसकी रोज जरूरत है। इसलिए किसी भी भाव में मिले, किसान कितनी भी मेहनत करे उसको क्रॉप केयर ज्यादा करनी पड़ती है, गर्मी से लेकर के बरसात तक उसको अपनी क्रॉप की केयर ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन बाजार में किसी तरह से भेजता है। और विंटर सीजन जो इसका मेन सीजन, उस सीजन में जब धनिया आती है तो बाजार में काफी सस्ती होती है, तो किसान क्या करता है कि उस समय उसकी सीड क्रॉप लेता है और जिन महीनों में लीफ का अच्छा भाव मिलता है उन दिनों के लिए वो लीफ लेता है। तो लीफ कटिंग भी उसको समय पर करनी। इसी प्रकार से सोया मेथी की पत्ती की सब्जी लोग पूरे जाड़े भर खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इन सभी में पत्तियों में आप देखते हैं कि जितने हमारे आवश्यक पोषक तत्व तो हैं वो भी मौजूद हैं। इसलिए पूरे जाड़े भर इसके इस्तेमाल के लिए सोया और मेथी भी लगाते हैं। तो मेथी की टाइम टाइम से अगर कटिंग की जाती है, उसने दो तीन कटिंग ले ली है, उसके बाद वो क्रॉप आपको छोड़ देता है तो उसमें ब्रांचिंग अधिक बढ़ जाती है और सीड यील्ड उसको अच्छी मिलती है। तो इसलिए ये ड्यूअल पर्पज की जो वैरायटी है ये हम लोगों ने डेवलप की। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर मेथी की बात ले लेते हैं तो इसमें 12-13 क्विंटल तक सीड यील्ड मिलती है, वहीं पर लगभग 24-25 क्विंटल तक इसकी लीफ यील्ड मिलती है। तो ये ड्यूअल पर्पज के लिए काफी पॉपुलर होती जा रही है वैरायटी। इसी प्रकार से सौंफ में आजा सौंफ एक हमारी जो प्रजाति है, ये दोनों तरीके से इसका प्रोपेगेशन है, डायरेक्ट सीड सोइंग भी इसकी करते हैं और इसकी ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं। अगर ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो जो इसके मुख्य बुआई का समय है अक्टूबर का महीना, उससे लगभग 1 महीने देर से इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और सीड रेट उसमें बहुत कम लगता है, केवल 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। और इसी के बीच में अगर कोई दूसरी वेजिटेबल क्रॉप लगा देती है, जैसे 60 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसप्लांटिंग करें और 2 रो के बीच में कोई भी कोल क्रॉप्स, जैसे कैबेज है, नॉल खाल है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, या कोई बल्ब क्रॉप बाजार में हरे लहसुन की और हरे प्याज की बहुत मांग रहती है सर्दियों में, इनमें से किसी की भी एक रो लगा दें। मतलब किसान को ये सजेस्ट करना है कि जो उसकी मार्केट डिमांड में हो, जिसकी कमर्शियल कल्टीवेशन जिसके ऊपर सकता है, उसकी एक रो बीच में लगा दें। तो ये जो लाइन टू लाइन 60 सेंटीमीटर है, इसके बीच में इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, क्योंकि सेम रिक्वायरमेंट्स फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो दोनों को, तो सौंफ को दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। आप देखते हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बहुत महंगे बिकते हैं स्पाइसेस के, जैसे उदाहरण के तौर पर सौंफ में जो मीठी सौंफ है उसको शुगर कोटेड कर देने से उसका भाव बहुत बढ़ जाता है। ऐसे तो जो सौंफ है एज ए स्पाइसेस आप देखते हैं पिकल्स बनाने में इस्तेमाल होती है, ठंडाई बनाने में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा अगर एज ए माउथ फ्रेशनर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो मिठास है, हरा रंग है, वो बना रहना चाहिए। ये इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, अगर शुगर कोटेड करनी है तो
उसमें रंगीन शुगर कोटेड करके उसको बाजार में आप देखते हैं, बेचते हैं, बहुत महंगी बिकती है। अगर ग्रीन और स्वीटनेस दोनों चीजें बनी रहे सौंफ में, इसके लिए क्या करना है, फ्लावर आने के लगभग 25 दिन के बाद तेज धार वाले हसिया से उसके जो उसका पूरा इन्फ्लोरेसेंस है उसको काट लें, और काटने के बाद उसको छाया में इकहरी परत में उसको फैला देते हैं। बीच बीच में उसको पलटते रहेंगे, लगभग 10-15 दिन में वो पूरी तरह से दाने सूख जाते हैं। जब दाने सूख जाएं तो किसी स्टिक से उसको दाने को अलग कर ले पीट करके, और इन दानों को अगर एयर टाइट बर्तन में या पॉलिथिन के अंदर एयर टाइट पैकिंग में सील करके उसको रख दिया जाए तो पूरे वर्ष इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेचुरल स्वीटनेस रहेगी और नेचुरल ग्रीन कलर उसमें रहेगा, क्योंकि बाजार में जो आती है उसको आप देखें, अगर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इसमें रंग मिलाया गया है जो कि बहुत टॉक्सिक है। कोई भी एडिड कलर इस तरीके से अगर मिलाया जाता है तो निश्चित रूप से वो टॉक्सिक होगा। और इसकी जांच परखने के लिए क्या करें कि उसको दोनों हाथों के बीच में उसको जोर से रगड़ें, अगर उसका रंग हाथ में छूट जाता है तो इसका मतलब उसमें कलर मिलाया गया है। क्योंकि सभी स्पाइसेस बहुत महंगे बिकते हैं, इसलिए बाजार में ये एडल्ट्रेशन का काम भी बहुत चलता है, इससे सावधान रहना है। आप देखते होंगे कि बहुत बार इस तरह के मामले पकड़े जाते हैं, धनिया में और टर्मरिक पाउडर में कुछ चीजें मिलाई जाती है, ये हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे बचने के लिए हम सबको ये संदेश देना है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए तो कम से कम स्पाइसेस का प्रोडक्शन करें ही, अगर कमर्शियल करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत महंगे बिकते हैं, आपको कम जगह में रखने के लिए यानी कि लो वॉल्यूम है, और जब आप बेचेंगे तो बहुत महंगे बिकें। टर्मरिक की आप देख लीजिए बाजार में क्या भाव टर्मरिक का पाउडर आता है, छोटी छोटी सी 50 ग्राम की 100 ग्राम की पैकिंग करती हैं कंपनियां, और कितने महंगे बिकते हैं। जो खुले मसाले बिकते हैं उनमें एडल्ट्रेशन का बहुत बड़ा चांस होता है, इसलिए खुले जो मसाले हैं उनका इस्तेमाल न करें। अगर आपके पास खेत हैं या कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने इन सब मसालों का खुद उत्पादन करें, और इन खड़े मसालों को अपने सामने पीसा जाए, फिर उनका अपने भोजन में आप इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। जिनके सामने ऐसी समस्या है कि पैदा नहीं कर सकते हैं, वो लोग खड़े मसाले खरीदें और अपने सामने पिसवाएं, फिर उनका इस्तेमाल करें, तब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत रहेंगे। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कल्टीवेशन की। तो सभी प्रकार की भूमियों में इनकी खेती हो सकती है, केवल ऊसर नहीं हो, पथरीली नहीं हो, बाकी सब जगह की जो भी सॉइल टाइप है उन सब जगह पर इसकी खेती बहुत आसानी से हो सकती है, और हर फसल के लिए अलग अलग जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने आपको बताया कि जो सैफरान है वो हाई हिल पर लो टेम्परेचर वाली जगह पर अच्छा होता है, वहीं आप साउथ इंडियन जितने हमारे मसाले हैं वहां पैदा होने वाले, जैसे ब्लैक पेपर की बात की तो वहां की आप देखते हैं कि जिस तरह की ड्राई और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो रिक्वायरमेंट है उसकी। लेकिन जो प्रमुख सीड स्पाइसेज हैं हमारे प्लेन्स के लिए, उनके लिए यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल टाइप बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन है। इनका जो राइट टाइम सोइंग का है सीड स्पाइसेज का, अक्टूबर का जो दूसरा पखवाड़ा है उसमें बुआई इसकी समाप्त कर लेनी चाहिए, तब तक तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। खेत बहुत अच्छा तैयार करें, 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद आखिरी जुताई के समय मिक्स कर दें, फिर खेत को
जुताई कर करके बार बार फॉलोड बाई प्लैंकिंग, बिल्कुल भुरभुरा महीन बना लें, जो पिछली फसल के जो अवशेष हो, घास फूस हो, टुकड़े हो, कंकड़ पत्थर हो, सबको बीन करके खेत को बिल्कुल साफ सुथरा मुलायम तैयार कर लिया जाए। इसके बाद फिर जो है उसमें निशान लगा लिए जाए कि कितनी कितनी दूरी पर लगाना है। जैसे हमने आपको बताया कि सौंफ की अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो आप 60x45 सेंटीमीटर की दूरी पर इनकी ट्रांसप्लांटिंग करें। जहां तक धनिया की बात है, अजवाइन, सोया है, कलौंजी है, इनको 30 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर इनकी रोपाई कर। जहां तक सीड रेट की बात है, जो धनिया है, धनिया में लगभग 16 से 18 किलो पर हेक्टेयर इसका सीड लगता है। वहीं पर अगर सोया की बात करें तो केवल 3 से 4 किलोग्राम इसका बीज लगता है। अजवाइन में केवल 5 से 6 किलो लगता है। मेथी में अवश्य 15-25 से 30 किलोग्राम इसका बीज लगेगा। कलौंजी यानी कुछ एरिया में इसको मगरेल कहते हैं, नाइजिला, इसका 8 से 10 किलोग्राम बीज लगता है। सौंफ को अगर आप डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं तो 12 से 14 किलोग्राम बीज लगेगा, लेकिन हमने बताया अगर आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो केवल 2 से 3 किलोग्राम बीज लगता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है और मेथी में नाइट्रोजन कम लगेगी क्योंकि आप जानते हैं ये लेग्यूमिनस क्रॉप है ना। तो धनिया में 90 किलोग्राम लगभग यूरिया और 90 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, और सौंफ में केवल 30 किलो यूरिया लगेगी, कलौंजी में 40 किलो यूरिया, 70 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, और अजवाइन में 40 किलो यूरिया, 70 किलो डीएपी और 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, और सेम यही सोया में भी रहेगा। जो नत्रजन की मात्रा है, हमने बताया जैसे उदाहरण के तौर पर धनिया की बात करते हैं, अगर हमने 90 किलो यूरिया बताई है तो उसको 3 हिस्सों में दें। एट द लास्ट प्लॉइंग आप 30 kg यूरिया दें। इसके बाद जब 30 दिन की फसल हो जाए तो फिर 30 किलो को टॉप ड्रेसिंग करें, उसके 1 महीने बाद फिर 30 किलो की आप टॉप ड्रेसिंग करें तो बेहतर होगा। वहीं पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि देसी हल के पीछे कुण में इसके बीजों को गिरा करके इसकी बुआई की जाए। धनिया का जो सीड कोट है थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए हमको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि धनिया में जर्मिनेशन पुअर है या बिल्कुल नहीं जर्मिनेशन हो रहा है, ऐसे फोन कॉल्स आती हैं किसान भाइयों की। तो इसके लिए बेहतर ये होगा टू इंश्योर द जर्मिनेशन, क्या करें कि इसको रगड़ करके, ट्रेडिशनल मेथड है, किसान भाई जानते हैं, इसको रगड़ करके, दबा करके, या यूं कह ले कि इसको क्रश कर देते हैं, जो इसका सीड है वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसको ओवरनाइट पानी में इसको भिगो दें, सुबह इसको निकाल करके पक्की फर्श में, पतली परत में इसको फैला दें, इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। इसके बाद अब इसका सीड ट्रीटमेंट कर लें। सीड ट्रीटमेंट कोई भी फसल हो, बहुत सारी आने वाली, भविष्य में आने वाली जो बीमारियां हैं, जो प्लांट प्रोटेक्शन का जो खर्च है उससे बचने के लिए ये एक बहुत अच्छी आदत है कि सीड को ट्रीट कर लिया जाए। हाँ, अगर आप किसी रिलायबल सोर्स से परचेज करके ला रहे हैं, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी से लिया है या किसी ISR इंस्टीट्यूट से लिया है या कोई भी सीड कंपनी है वो पैकिंग करके दे रही है, तो आपको ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी पैकिंग सीड ट्रीटमेंट के उपरांत ही की गई है। लेकिन यदि आपका अपना बीज है, अपने बीज को ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कैप्टन, थीरम या आप ट्राइकोडर्मा से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2.5 से 3 ग्राम, ये सभी फंजीसाइड हैं, 2.5 से 3 ग्राम कैप्टन या थीरम पर केजी ऑफ सीड।
इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, राख या महीन भुरभुरी मिट्टी जो है उसमें इस फंजीसाइड को मिला करके इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। और जो भी सीड की मात्रा आपकी है, 1 किलो 2 किलो जितना आपको बुआई करने जा रहे हैं, इसी के रेट में उसको किसी बर्तन में ये केमिकल को डाल करके, बीज को डाल करके काफी देर तक हिलाते हैं। उससे क्या होता है कि इस सीड की बाहरी सरफेस पर एक कोटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सीड ट्रीटमेंट का काम इतना आसान है, इतना कम समय लेता है और बहुत सारी बीमारियों से किसान का पैसा बच सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। अगर ट्राइकोडर्मा से करना है तो अपने विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सस्ता और ताजा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है ट्राइकोडर्मा का। 4 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड की दर से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आवश्यकता है आपको तो पूरे खेत का भी ट्राइकोडर्मा से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सीड बुआई के लिए तैयार हो गया। और कितनी मात्रा में बीज लगेगा, बीज भी तैयार है। हमने बताया देसी हल के पीछे जितनी दूरी पर आपको मैंने लाइन टू लाइन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बताई, उसके अकॉर्डिंग निशान बना लें और देसी हल के पीछे कोण में उनको बुआई करते हुए गिराते चले जाएं। लेकिन शर्त ये है कि बीज बहुत गहरा नहीं गिरना चाहिए। यहीं पर एक शर्त ये भी है कि जब खेत में बुआई करनी हो तो समय पर खेत को तैयार किया जाए, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में वो दिन पर दिन कम होता चला जाता है। इसलिए अगर बुआई में लेट करते हैं तो जो जर्मिनेशन वो अफेक्टेड हो सकता है। इसलिए जर्मिनेशन के प्रति हमको जागरूक रहने के लिए क्या करना चाहिए, समय पर ओट आने पर खेत की तैयारी करें और ओट जाने न पाए समय के अंदर ही हम बीज की बुआई कर दें, तो निश्चित रूप से जमाव हो करके 2-4 दिन में कुछ बीज ऐसे हैं दिखने लगेंगे, या फिर धनिया है 1 सप्ताह में आपको उसका जमाव दिखने लगेगा। अगर नहीं जमता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे असावधानी हुई है, इसलिए ऐसा नहीं होने, समय पर मॉइस्चर घटने न पाए उसी समय इसकी बुआई कर देनी है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, 1 महीने बाद बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है जब हमको ध्यान रखने की जरूरत है। क्रॉप केयर जितनी अच्छी करते हैं उतनी अच्छी प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और उससे जो है हमको यील्ड बहुत अच्छी मिलती है। नहीं तो जो भी यील्ड वैरायटी के अकॉर्डिंग बताई जाती है उतनी ना मिलने के बहुत सारे कारण है। एक कारण उसमें ये भी है कि क्रॉप केयर नहीं की। क्रॉप केयर करने के लिए हमको क्या करना है कि धनिया की फसल जैसे ही लगभग 30-35 दिन की होती है तो एक हल्के पानी की सिंचाई करते हैं। देखिए ये बात ध्यान रखनी होगी, जिस समय खेत तैयार करते हैं उसी समय ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम अपने खेत का ढाल हल्का सा बनाए रखें और पूरे खेत को छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट करके रखें, जो उसकी नाली है, मेड़ है, परे है, वो इस दिशा में बनाए कि खेत के अंदर सिंचाई में लगाया गया पानी या विंटर रेन का पानी, जो भी एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाए, खेत में रुकना नहीं चाहिए। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, जैसे हमने बताया 1 महीने में आपको हल्की सिंचाई देनी है, तो हल्का पानी इसको देना है, बस उस प्लाट में लगाया, दूसरी तरफ से प्लाट से पानी उतर गया, इस तरह का आपको सिंचाई करना। तो पहला काम सिंचाई कर दी आपने। दूसरा काम, जब ओट आएगी सिंचाई के बाद तब आपको क्या करना है, एक मैनुअल आपको इसकी निराई गुड़ाई करनी। हाँ, यहां पर फिर आपको एक बात बताने की जरूरत है कि अगर आप
के खेत में खरपतवारों की बहुत अधिक समस्या है, तो क्या करना होगा? गर्मी की गहरी मिट्टी पे लठल से जुताई करनी। ये काम गर्मी के दिनों में किसानों को करना चाहिए, लेकिन किसान भाई बताते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, हम गर्मी की फसल लेनी है, या उनके पास मानव श्रम की कमी है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सजेशन ये है कि किसान के पास जितने भी खेत हों, वो रोटेशन में कम से कम एक खेत में इस तरीके का इस्तेमाल करें। इस साल इस खेत में उसने गहरी मिट्टी पलट हल से जुताई कर दी, अगले साल दूसरे में कर दी, तीसरे साल दूसरे अगले खेत में कर दी। तो इस प्रकार से ये काम यहाँ पर हो सकता है। दूसरी बात, खरपतवार नाशी का भी यहाँ पर छिड़काव हो सकता है। वो छिड़काव करके खेत को खाली छोड़ दे, क्योंकि छिड़काव करने के तुरंत बाद उसमें कोई फसल नहीं लगाई जा सकती है, तो काफी दिनों के लिए खेत खाली छोड़ना पड़ेगा। तुरंत उसमें बुआई नहीं हो सकती, तुरंत उसमें फल फसल नहीं ली जा सकती। इसलिए दूसरा काम उसको ये करना है कि खरपतवार नाशी का छिड़काव करके छोड़ना। अगर आपने बीज मसाले की बुआई कर दी है, बीज जमाव से पहले, या यूं कह लें कि आपने जिस दिन बुआई की उसके नेक्स्ट डे आप खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दें। वीडिसाइड, बहुत सारे वीडिसाइड आते हैं, तो इस प्रकार से छिड़काव करने का उसका तरीका ऐसा है कि छिड़काव करने से जो खेत की सतह है उसके ऊपर एक बहुत पतली महीन फिल्म बन जाती है, और जो नीचे खरपतवार जर्मिनेट होता है, वो जर्मिनेट होने के बाद जैसे ही उस फिल्म के संपर्क में आता है, ऊपरी सतह के संपर्क में आता है, वो जल के मर जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए अगर दवा छिड़कने के बाद किसी जानवर का या किसान का पैर वहां पर पड़ गया है, तो वो फिल्म टूट जाती है और वहीं से खरपतवार निकल आता है। इसलिए बुआई के अगले ही दिन इसका छिड़काव करना है। 3.3 लीटर पेंटीमिथिलीन 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये पर्याप्त होगी छिड़काव के लिए। तो इसके छिड़काव करने के लिए खेत के एक कोने पर किसान खड़ा होगा, और जो उसकी छिड़कने वाली मशीन है जिसको पीठ पर लेता है, नेपेस स्प्रेयर आप उसको कहते हैं, उसका जो नोजिल है वो, जानते हैं आप, उसका कई तरीके से एडजस्टमेंट होता है। एक एडजस्टमेंट इस तरह का होता है कि जो पानी की फुहार है वो उस नोजल से बिल्कुल फट करके छतरी नुमा निकलती है, महीन महीन बिल्कुल मिस्ट स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इस प्रकार का जो उसका एडजस्टमेंट है वो सेट करके खेत के कोने में किसान खड़ा हुआ और पीछे की तरफ बढ़ता हुआ चले, आगे की तरफ अगर छड़ते हुए बढ़ेंगे, मैंने बताया, पैर रखेंगे और गड्ढा बन जाएगा, वहां पर फिल्म ब्रेक हो जाएगी। इसलिए छिड़कते हुए उसको पीछे की तरफ बढ़ना है, और जब खेत के आखिरी तक पहुंच जाएगा तो उसको पलट करके दूसरी दिशा में फिर पीछे की तरफ जाना है। इस प्रकार से उसको वीडिसाइड का छिड़काव करना है। तो इससे क्या होगा कि अगले लगभग 1-1.5 महीने के लिए खरपतवारों से उसको, खेत को मुक्ति मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया है तो हमने बताया कि सिंचाई करने के बाद लगभग 30-35 दिन में आपने सिंचाई की, फिर जब ओट आ जाएगी तब उसकी खुरपी से निराई गुड़ाई करेंगे। इसके बाद फिर क्या करना है? अब जो यूरिया की दूसरी खुराक थी उसका भी छिड़काव करना है। चौथा काम क्या करना है? जो आपने लाइन सोइंग की थी, लाइन टू लाइन
डिस्टेंस मेंटेन है, आपने निशान बनाया था, लेकिन प्लांट टू प्लांट अगर मेंटेन नहीं है, क्योंकि बुआई करते समय हमने बताया कि देसी हल के पीछे कोड़ में दाने गिराते चले गए, वो दाने यदि पास पास गिर गए हैं तो ये पौधे धनिया के तैयार हो गए होंगे इतने बड़े, उनको उखाड़ लें। ये जो उखाड़ने की प्रक्रिया है दैट इज नोन एज थिनिंग। इन प्लांट्स की जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं इनकी थिनिंग कर लेंगे, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन हो जाएगी प्लांट टू प्लांट, और ये उखाड़े हुए जो पौधे हैं इनको बंडल बनाएंगे, बंडल बना के बाजार में इनको भेज देंगे, इससे इनकम हो जाएगी किसान की। तो ये तरीका अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वेजिटेटिव ग्रोथ यहीं से बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसके बाद अब क्या करना है, कुछ दिनों के बाद जो पौधा है उसका जो बाहरी घेरा है, जो ब्रांचिंग है, उस ब्रांचिंग में जो साइड की ब्रांच है उन ब्रांच की कटिंग करनी, उन ब्रांच को आप काट दें। इससे क्या होगा कि भविष्य में पौधे में आने वाली और जो शाखाएं उनकी बढ़वार होगी और जो इन्फ्लोरेसेंस आएगा बाद में वो अधिक आएगा, ज्यादा बीज लगेंगे, यील्ड ज्यादा मिलेगी। ये पत्तियों का बाहरी घेरा आपको काटना है। यहीं पर अगर हम फेनुग्रीक की बात करते हैं तो उसमें भी आपको एक महीने के बाद इसकी कटिंग लेनी है। कटिंग करके उनके बंडल बना करके बाजार में सोया मेथी के बंडल आप जानते हैं बना करके बेचते हैं, तो इस प्रकार से उसके भी बंडल बना करके भेज दें। उसमें भी शाखाओं की तादाद बढ़ेगी और भविष्य में बीज उससे ज्यादा बनेगा, इसलिए ये जो कार्य है बीच बीच में हमको करते रहना है। इसके अलावा अब प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो कुछ फफूंदी जनक रोग भी लगते हैं, कुछ कीटनाशक भी लगते हैं समय समय पर। धनिया में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो ट्यूमर रोग की आती है। छोटे छोटे से गोल दाने उसमें बनते हैं और वो दाने फॉल्स होते हैं, देखने में लगता है कि ये धनिया का दाना है लेकिन उसको अगर तोड़ें तो उसके अंदर बीज नहीं होगा, वो ट्यूमर नुमा बन जाता है। तो ये जो बीमारी है ये सीड बॉर्न डिजीज है, इसलिए इसके बीज का इस्तेमाल अगले साल नहीं करना चाहिए। और कीटनाशक का एक छिड़काव यहां पर करना है। कीटनाशक में से हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है कि कोई लीफ स्टेज पर खराब हो, उसकी पत्तियां कटिंग करके बाजार भेजनी हो, तो हमको इस तरह के केमिकल का छिड़काव नहीं करना चाहिए जो टॉक्सिसिटी पैदा करे। नीमारिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 ml पर लीटर वाटर के रेट से इसका छिड़काव करें, और अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है, धनिया फ्लावरिंग स्टेज पर है या सीड फॉर्मेशन स्टेज पर है, उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो आप प्रोफेनोफास 1 ml पर लीटर वाटर के रेट से इसका छिड़काव करें तो ये नियंत्रित हो जाएंगे। इस तरह की बात आप किसानों को सजेस्ट करनी चाहिए। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग जिंजर की और टर्मरिक की। आप जानते हैं ये राइजोम से प्रोपेगेट की जाती हैं और अप्रैल से मई तक जो जिंजर है उसको लगाते हैं और मई जून में आप इसको टर्मरिक को लगाते हैं। मतलब जैसे ही बारिश शुरू होती है तब तक क्रॉप लग चुकी होती है और इसके पौधे जर्मिनेट करके इसके जो किले हैं वो बाहर जमीन की सतह से बाहर आ जाते हैं। उस समय तक आने तक इसमें निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाने का समय आ जाता है। तो इसमें बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। हमारे विश्वविद्यालय से भी आजाद हल्दी 1, आजाद हल्दी 2 प्रजातियां विकसित की हैं। इनके अलावा
राजेंद्र सोनिया, बहुत अच्छी वैरायटी है राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार की, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा बहुत अच्छी है। नरेंद्र हल्दी फैजाबाद यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी वैरायटी है। और अदरक की आप बात करें तो बहुत सारे किसान भाई जो लोकल उनकी वैरायटी है उनको पसंद है और मार्केट में उसकी डिमांड है, तो निश्चित रूप से उसको लगा सकते हैं। बरुआ सागर झांसी में इसकी लोकल वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है। या पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास हल्दी जिला है, वहां पर जो पहाड़ी हल्दी जिसको बोलते हैं, जिसकी काफी मोटी मोटी फिंगर होती हैं, वो लोकल में काफी पसंद की जाती है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी वैरायटी, कौन सा राइजोम या सीड स्पाइसेस पैदा करें जिसकी मार्केट डिमांड हाई हो, क्योंकि कुल मिलाकर के पैदा करने के बाद जब किसान कमर्शियल कल्टीवेशन कर रहा है तो इसके बाद भी किसान जो है इसको बाजार में ले जाएगा, और बाजार में ले जाने के बाद अगर उसकी वैरायटी की डिमांड अच्छी है तो तुरंत बिक जाएगी, अन्यथा उसको कम भाव में बेचना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हल्दी की बात ले लें, हल्दी कच्ची हल्दी की मेडिसिनल वैल्यू आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, बहुत हाई है। इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पिछला 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए कच्ची हल्दी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। यहाँ उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में जब कच्ची हल्दी बाजार में कभी नहीं आती थी, वो पिछले 1-2 साल से बाजार में कच्ची हल्दी बहुत बिकने लगी। हालांकि अन्य कई प्रदेश हैं जहां पर कच्ची हल्दी प्रायः बाजार में आती है और उसको सैलेड पर्पज से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल होता था। तो काढ़ा के रूप में या विशेष पदार्थों के रूप में, चटनी के रूप में, कई तरीके से उस कच्ची हल्दी का इस्तेमाल बढ़ चुका है। तो ये जो टर्मरिक पाउडर है इसको तैयार करने के लिए आप जानते हैं कि इसको प्रोसेस करना पड़ता है, अदरक को भी और हल्दी को भी। तो बाजार में जब किसान इस तरीके की हल्दी ले जाता है जो देखने में सिकुड़ी हुई है, रंग अच्छा नहीं है, तो बाजार में उसका कोई अच्छा भाव देने को तैयार नहीं होता है। वहीं पर अगर उसको बड़ी स्किल के साथ प्रोसेस किया गया है तो उसके अंदर कर्क्यूमिन की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी होगी, यानी कि जो कलर है वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो पतली हो जाती है, कभी सिकुड़ जाती है, वो समस्या अगर नहीं आई है, फूली हुई गांठें हैं, तो बाजार में भाव बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए मार्केट में अपनी उपज को ले जाने से पहले उसकी, आप जानते हैं कि सफाई, उसकी ग्रेडिंग, उसकी प्रोसेसिंग, सब कुछ जब बिल्कुल परफेक्ट होगा तो बाजार में अच्छे से अच्छा इसका भाव मिलता है। तो इसको प्रोसेस करने का जो तरीका है वो घरेलू तरीका, कम हल्दी के लिए छोटे बर्तन में तैयार किया जाता है। बड़ी मात्रा में जब कोई औद्योगिक इकाई है वहां पर वो फुल्ली मैकेनाइज होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो जो उसकी गांठ की जो फिजिकल अपियरेंस है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, हमारा जो घरेलू तरीका है और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पर्पज से तैयार की गई है, वहां पर थोड़ा सा गांठ में अंतर आ जाता है। जहां तक घरेलू तरीके की बात है, हमको अगर प्रोसेस करनी है तो इसके लिए जो गांठें खोद के तैयार की गई उन गांठों को अलग अलग कर लें। जो राइजोम बोया गया था दैट इज नोन एज मदर राइजोम, उससे जो नई फिंगर निकली हैं दैट इज नोन एज डॉटर राइजोम। मदर राइजोम में करक्यूमिन कंटेंट
कंपेयर टू डॉटर राइजोम अधिक होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग पकाना चाहिए। अगर एक साथ दोनों को मिला देंगे तो एवरेज कलर आएगा, इसलिए दोनों को अलग अलग पकाना चाहिए। आप अगर अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं तो अब क्या करना होगा कि इन गांठों को धो करके साफ कर लें, क्योंकि खेत से खोद करके निकाली गई हैं, इसके ऊपर मिट्टी भी लगी होगी, सब कुछ होगा, गांठें गंदी भी हो सकती हैं, इसलिए इनको धो करके तैयार करके रख लें। अब आपको एक बर्तन लेना है, वो बर्तन मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कोई भी हो, लेकिन लोहे की कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस का तरीका है उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और जो पीला रंग है वो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए लोहे के बर्तन का या ड्रम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब क्या करेंगे, इस बर्तन में इन गांठों को भर देंगे और पानी भर देंगे, पानी इतना भर देंगे कि जहां तक गांठें हैं उससे लगभग 6 इंच ऊपर तक पानी भरा रहना चाहिए। अब इस पात्र को आग के ऊपर चढ़ा देंगे और जहां तक बर्तन में पानी भरा था उसके ऊपर टाट के बोरे से उसका मुंह बंद कर दें या घास फूस किसी चीज से ऊपर उसको ढक के रख दें, जिससे कि भाप धीरे धीरे बाहर आ, और आग पर चढ़ा दें। आग पर चढ़ाने से के बाद हमको इसी सॉल्यूशन में एक काम और करना है, 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट पर लीटर वाटर के रेट से हमको इसमें इसके सॉल्यूशन में मिला देना है और आग लगा देंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हमको दबाने पर देखेंगे कि जो गांठें हल्दी की वो दब रही हैं, थोड़ी सी लूज हो गई है। अगर महसूस करें तो जहां पर ये पका रहे हैं उसके आसपास का जो सराउंडिंग एटमॉस्फियर है वहां पर एक अलग तरह की महक चारों तरफ आ जाएगी, तब आप समझ लें कि गांठें पक गई हैं। इसके बाद इसको पानी को बर्तन को आप नीचे उतार लें और इन गांठों को निकाल करके पक्की फर्श में आप इसको फैला दें। जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में अगर दूसरी लाट गांठों की है तो आप पुनः उसमें डाल सकते हैं। सेम सॉल्यूशन कैन बी यूज 3 to 4 times, तो उसमें अगली लाट को फिर आप पका सकते हैं। ये जो आपने इकहरी परत में आपने इसको फैला दिया, कई दिन तक इसको पड़े रहने दें, धूप में सूखने दें, इनको उलट पुलट करते रहें, ये घरेलू तरीका मैं बता रहा हूं। इसके बाद इनको क्या करें, किसी बोरे में, जूट के बोरे में इसको रगड़ करके इसके ऊपर जो छिलका है, जो रेसे हैं, उनको अलग कर देते हैं, तो ये थोड़ी साफ हो जाती है इनकी गांठें। इसके बाद फिर सूखी हुई गांठों को एक बर्तन में भरते हैं और वो बर्तन मिक्सर होना चाहिए, मिक्स करने वाला होना चाहिए। उसमें क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर 50 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट पर कुंटल ग्रेड से, गांठें 1 कुंटल हैं तो, और 50 ml कमर्शियल ग्रेड का नमक का अम्ल इसमें डालेंगे और 2 किलो पिसी हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर इसमें डालेंगे और वो जो मिक्सचर है वो बार बार इसको उलट पुलट करता रहे, काफी देर तक इस तरह से करते रहेंगे तो ये जो गांठें हैं ये आपस में रगड़ती हैं, रगड़ने से इनमें चमक आती है। तो ये जो बाजार में आप देखते हैं जो बिक्री के लिए गांठें रखी होती हैं वो बड़ी फूली हुई होती हैं, चमकीली होती हैं, उन पर रेसे नहीं होते हैं और पाउडर उसके ऊपर लगा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से बाजार में बेचने से पहले अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए ये काम करना है। तो इस प्रकार से अगर तैयार किया जाता है, सारी क्रॉप केयर करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन लेते हैं, समय पर सारी जरूरतें फसल की अगर पूरी करते हैं तो हमारी जितनी भी ये फसलें हैं उन सभी फसलों की बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। जहां तक हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में लगभग जो पुरानी प्रजातियां हैं उनमें 200 से 250 कुंतल पर हेक्टेयर तक पैदावार मिल जाती है। वहीं पर जो राजन सोनिया है और इम्प्रूव वराइटीज हैं उनकी 300 कुंटल पर हेक्टेयर तक
उपज मिल जाती है। अगर धनिया की बात करते हैं तो हमारी आजाद धनिया एक 16-17 कुंतल उपज देती है, आजाद धनिया 2 16 से 18 कुंतल उपज देती है। इसी प्रकार से सोया 8 से 10 कुंतल तक उपज मिलती है। अगर मिर्च की बात करते हैं तो जो रेड राइप चिली है, हमारी आजाद मिर्च वन वैरायटी है, वो लगभग 55 कुंतल पर हेक्टेयर तक उपज देती है। सौंफ की अगर बात करें तो 16 से 18 कुंतल तक की उपज देती है। और जो अदरक है, अदरक भी लगभग 150-200 कुंतल पर हेक्टेयर तक उपज देती है। तो इस प्रकार से ये बहुत महंगे बिकने वाले मसाले हैं जो इतनी मात्रा में तैयार होते हैं, और आपने देखा इनमें इनपुट्स काफी कम लगे। तो इस प्रकार से जब ये बाजार में जाते हैं, उसके बाद आपकी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, तो जो खुशबू आती है उससे पूरी रसोई और पूरा घर महकता है। जो भारतीय अन्य देशों में रहते हैं, उनके अनुसार जब किसी के यहाँ भारतीय मसाले किसी रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं तो पूरे मोहल्ले को उसकी खुशबू से खबर हो जाती है। इतनी अच्छी इन भारतीय मसालों का जायका है, सुगंध है, खुशबू है, इसीलिए पूरी दुनिया में भारतीय मसाले पसंद किए जाते हैं और किसी भी भाव में खरीदने के लिए लोग तैयार रहते हैं। हमने बताया कि इतनी छोटी सी मात्रा में है, आपने देखा केसर छोटी सी पुड़िया में जो आप देखते हैं बिकता है, कितना महंगा बिकता है, उसको खरीदने के लिए लोग तैयार रहते हैं। कभी पेय पदार्थ में डालना है, कभी मिठाई में डालना है, किसी को केसरिया दूध पीना है और किसी को केसर को दवा के रूप में इस्तेमाल करना है। तो इन सभी भारतीय मसालों को किसी भी भाव में लोग खाने के लिए तैयार हैं। इतनी अच्छी इन जो क्वालिटी स्पाइसेज हैं, इनकी पूरी दुनिया में छाप है, पसंद किए जाते हैं। तो मसालों के बारे में आज इतनी ही बात, आगे फिर अन्य फसलों के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।